हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। आपको मैं बताऊंगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते क्या हैं, हमने क्यों इन्हें बनाया। हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हुआ करते थे बीजेटीज, हमने फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्यों बनाए। देन उसके बाद मैं आपको कराऊंगा कि FET वर्सेज BJT क्या अंतर है। लास्ट में जो FET हैं वो दैट इज अ क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें किस तरह के MOSFET है, JFET है, तो किस किस टाइप के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आपके होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपका होता क्या था, आपके जो BJTs थे, BJT आपको अगर याद हो तो उसमें देवर बायपोलर डिवाइसेस और टू टर्मिनल डिवाइस होते थे आपके। वो उसमें बाइपोलर इन द सेंस कि मेजॉरिटी कैरियर से भी काम होता था प्लस माइनॉरिटी कैरियर्स भी काम करते थे। अब हुआ क्या, क्योंकि BJT में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की दोनों का एक अपना करंट रहता था, मेजॉरिटी करंट अलग था, माइनॉरिटी करंट अलग था, और BJT आपकी एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस थी, करंट कंट्रोल्ड। तो हम लोगों ने सोचा, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने एक नए किस्म के ट्रांजिस्टर बनाए, जो कि उन्होंने बोले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में उन्होंने जो BJT की कुछ कमियां थी वो खत्म कर दी, जैसे कि BJT आपके थर्मली अनस्टेबल हुआ करते थे, कि लार्ज टेम्परेचर पे हम लोग काम नहीं कर सकते थे BJT के साथ, और आपका जो इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, वो भी स्मॉल था। तो इन सब चीजों को, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर दोनों से काम होता था, बाइपोलर डिवाइसेस थे और करंट कंट्रोल थे, तो इन चीजों को हटा के एक नई चीज बनाई गई, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आपके थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस बने, जिनके अंदर करंट कंडक्शन आपका सिर्फ एक टाइप के ही मेजॉरिटी कैरियर से होता था, या तो सिर्फ होल करंट कंडक्ट करेंगे या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्ट करेंगे, मतलब सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर ही करंट कंडक्ट कर सकते थे, माइनॉरिटी कैरियर का कोई होता नहीं था, इसमें माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते थे। तो ये चीज हो गई। तो ये हमारे यूनिपोलर डिवाइसेस कहलाए, बिकॉज इनमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट कंडक्शन था, तो ये हमारे यूनिपोलर डिवाइसेस। अब इनमें हुआ क्या कि ये जो है थर्मली स्टेबल भी हो गए, इनपुट इंपीडेंस इनका हाई हो गया, तो इसलिए हमारे जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं वो हमने बनाए, और वो बेटर थे BJT से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस जरूर चेक करें, जितने भी वीडियोस हैं आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है। शेयर करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ, जैसे BJT में आपको याद होगा आपका बेस होता था, एक आपका एमिटर होता था, एक आपका कलेक्टर होता था। FET आपकी एक थ्री टर्मिनल डिवाइस बनी, जिसमें आपके एक सोर्स टर्मिनल होता है, एक गेट टर्मिनल होता है, एक ड्रेन टर्मिनल होता है, इन तीनों का अलग अलग अपना काम होता है। तो ये FET की जो बेस था, मैंने आपको समझा दिया है, FET आपकी थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें करंट कंडक्शन आपका एक टाइप के ही मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कई बार कि BJT एंड FET में आप अंतर बताएं। तो अंतर लिखने के लिए आपको सिर्फ ये चार पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली चीज कि BJT आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस, FET आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस।
बीजेटी में आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों ही जो है करंट कंडक्शन में काम करते हैं, यहां पर सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। ये आपकी यूनिपोलर है, ये आपकी बायपोलर है। देन जो आपके बीजेटी हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, बट आपके जो एफईटीज हैं वो थर्मली स्टेबल रहते हैं। लास्ट इनपुट इंपीडेंस आपका जो बीजेटी का होता है वो बहुत ही कम होता है, बट एफईटी का इनपुट इंपीडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये पांच डिफरेंसेस आप इजीली लिख सकते हैं आप। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एफईटीज जो बने वो किस किस टाइप के बने। सो नाउ वी लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफईटीज। तो एफईटीज आपके पास हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आपके होते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिनको हम बोलते हैं मॉसफेट। इनको हम मीसफेट भी बोलते हैं, मेटल इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो कभी आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट मॉसफेट इटसेल्फ। देन उसके बाद है मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये तीन तरह के आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आपको करना क्या होता है जनरली, आपको टॉपिक वाइज अगर स्टडी के लिए मैं बताऊं तो आपको हर एक की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, वर्किंग पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत बेस है। मॉस्फेट आपके दो तरह के होते हैं, एनहेंसमेंट और डिप्लीजन टाइप। तो वो दोनों में भी ये सारी चीजें अलग अलग आपको आनी चाहिए। वो सब जो ये चीजें हैं मैंने आगे के वीडियोस में समझाई हुई हैं। हर एक टॉपिक का जैसे जेफेट का एक अलग वीडियो है, मॉसफेट का अलग है, मीसफेट का अलग है। तो आप उस हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं, वहां पर आप सीख सकते हैं। बाकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था, आगे इनके डिफरेंट टाइप्स आपको डेप्थ में स्टडी करने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।